पपीता खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। अक्सर बीमारी से ठीक होने के बाद भी मरीजों को पपीता खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन आज की हमारी ये रिपोर्ट पपीता खाने को लेकर नहीं बल्कि पपीता ना खाने को लेकर है। जी हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पपीता खाना जहर खाने के बराबर है। कहीं आपको तो ये समस्याएं नहीं है? अगर आपको ये समस्याएं हैं और आपने पपीते का सेवन कर लिया तो ये आपके लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ा कर सकता है। ऐसे में इस रिपोर्ट को देखना हर किसी के लिए जरूरी है। इस वीडियो की एक एक लाइन आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। साथियों, फाइबर से भरा पपीता पेट को लंबे समय तक फुल रखता है। इसके सेवन से वजन कंट्रोल करने और घटाने में भी मदद मिलती है। डायबिटीज, हार्ट और कैंसर के मरीजों के लिए पपीता बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आपको किडनी में पथरी की समस्या है तो आपको भूलकर भी पपीते का सेवन नहीं करना है। पपीते में विटामिन सी होता है जो एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है। ज्यादा पपीता खाने से किडनी में पथरी की समस्या और बढ़ सकती है। पपीता खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट की कंडीशन पैदा हो सकती है जिससे किडनी का स्टोन बड़ा हो सकता है। साथ ही डायबिटीज से पीड़ित लोगों को पपीता फायदा करता है। इससे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल पहले से ही कम है उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। यानी जो लोग हाइपोग्लाइसीमिया से परेशान हैं, उन्हें पपीता खाने से परहेज करना चाहिए। इससे हार्ट बीट तेज या शरीर में कंपन की समस्या हो सकती है। साथियों, पपीता हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपको इरेगुलर हार्ट बीट की समस्या है तो पपीता नहीं खाना चाहिए। एक रिसर्च में पता चला है कि पपीते में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है जो एक तरह का अमीनो एसिड है। इससे पाचन तंत्र में हाइड्रोजन साइनाइड का उत्पादन करता है। अगर आप इरेगुलर हार्ट बीट की समस्या से परेशान हैं, तो पपीता खाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें भी पपीता ना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पपीते में लेटेक्स होता है जो गर्भाशय के संकुचन को ट्रिगर कर सकता है। इसकी वजह से बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। पपीता में पैपेन होता है जिसे शरीर प्रोस्टाग्लैंडिन समझने की भूल कर सकता है, जिसे आर्टिफिशियली लेबर पेन इंड्यूस हो सकते हैं। पपीता खाने से भ्रूण को सपोर्ट करने वाली झिल्ली भी कमजोर हो सकती है। और पपीता ना खाने का सबसे ज्यादा ध्यान एलर्जी में रखना चाहिए। पपीता उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको किसी तरह की एलर्जी है। पपीते के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे चिटिनेस कहते हैं। ये एंजाइम लेटेक्स पर क्रॉस रिएक्शन कर सकता है। इससे आपको छींक आना, सांस लेने में तकलीफ, खांसी या आंखों से जुड़ी समस्या होने का खतरा रहता है। साथियों, अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की समस्या हो तो आप भूल कर भी पपीते का सेवन ना करें, वरना आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद को हेल्दी रखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।